वो मोनोस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती, जो मेरे वजह से मेरे घर में मेरे पापा और भैया के बीच में महाभारत हुआ था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, वो रात को मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। वो शायद मैं 10th क्लास में थी या हाई स्कूल में थी, याद नहीं आ रहा है। तो मेरे दो भाई बहन बहुत छोटे छोटे हुए थे। एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा और भैया वो निकल गए थे, तब एक ट्रैक्टर होता था, तब हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था, एक ट्रैक्टर होता था वो एरिया में, और लोग जो है ना हज़ार हज़ार लोग होते थे, उसके पीछे 3 दिन 5 दिन ऐसे पीछे पीछे घूमते थे हमारा, मतलब खेती करने के लिए, हमारा करो पैसा देते थे, वो मिनट के हिसाब से पैसा लेते हैं, वो खुदाई करते हैं ना मिट्टी, उसके बाद खेती करते हैं। मेरे पापा और भैया दिन में निकल गए थे, दोपहर को खाना खाने के लिए नहीं आए, हम सोचे शायद वो मार्केट है, होटल में खा लिए, उनको टाइम नहीं है, तब तो मोबाइल नहीं था। ऐसे करके रात हो गया, बहुत लेट हो गया, सारे गांव वाले भी खा के सो गए, मेरे भाई बहन भी खा के सो गए, हम मैं मेरी दादी माँ मेरी मम्मी हम तीनों घर में बड़े थे, हम मतलब रो रहे थे। तब क्या होता था, मतलब बड़ा बड़ा बियर भालू है ना और हाथी, वो कभी कभी खेती पर आ जाते थे, सब लोग यही ऐसे रिमर होता था, कभी कभी मतलब आते हैं, आज ही उधर इसका चीर दिया फाड़ दिया, ऐसे बोलते थे लोग। तब तो जब थोड़ा लेट हो गया, मेरी मम्मी रोने लगी कि पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे पापा भैया नहीं है, शायद भालू मार लिया, कुछ हो गया, नहीं तो इतना सुबह से गए थे, रात इतना हो गया, नहीं तो आ जाते। ऐसे करके मेरी मम्मी खाना नहीं खाई, रोने लगी। मेरी दादी माँ भी ऐसे पूछ रही थी। मैं बहुत रोने के बाद मैं बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं दादी माँ के साथ जाती हूँ, तुम घर में रुको, जाके मैं देख के आती हूँ क्या है। तब हमारे पास एक टॉर्च था, मैं टॉर्च लेके मेरी दादी माँ के साथ चलने लगी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो ठीक से मतलब स्पीड में चल नहीं पा रही थी, मेरे जैसे वो चल नहीं पाएगी, मैं स्पीड में जा रही थी, मतलब मेरी पापा है भाई है उधर, मुझे ढूंढना है किसी भी हालत पर क्या है, मुझे देखना है। लेकिन मेरी दादी माँ जो थी वो मेरे साथ नहीं चल पा रही थी, बहुत स्लो में आ रही थी, टॉर्च तो एक ही था। तो मैं सोची वो दादी माँ को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अंधेरा था रोड, मैं उनको दे दी टॉर्च, तुम छुप जाओ मैं आगे चलती हूँ। ऐसा करके हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, क्योंकि वो मेरे साथ चल नहीं पा रही थी, मैं बहुत स्पीड चल रही थी, कभी कभी बहुत दौड़ रही थी। हमारे मार्केट आ गया, मुझे खेती मालूम था, मतलब वो हम एक ब्रिज आता है, ब्रिज की एंडिंग में हमारे खेती है, घर से खेती 3 किलोमीटर का दूरी था। मैं ऐसे चल रही थी, एक हमारा मार्केट आया, गाँव का मार्केट, उधर मुझे एक आदमी दिखा, वो मैं पहले से उसको जानती हूँ, मतलब वो शराबी था, बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी अंधेरे में मैं उसको पहचान ली, वो वही आदमी है, मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसके बाद जब मैं उसके वो रोड के पास ही खड़ा था, मैं जैसे उसको क्रॉस किया, वो चिल्लाने लगा, कौन है कौन है, ऐसे करके चिल्लाने लगा, मेरे पीछे पीछे वो फॉलो किया। तब मुझे तब तक मैं पापा और भैया के लिए मतलब मैं नर्वस थी, फिक्रमंद थी, तब मैं खुद के लिए मतलब डर गई, मैं खुद के लिए फिक्र करने लगी। तब मुझे लगा मुझे भी सब कुछ हो सकता है। मैं पास में एक मंदिर था शिव का मंदिर, मैं उधर शिव को मैंने प्रणाम की, भगवान मुझे बचा लो। उसके बाद कुछ देर वो ऐसे चिल्ला के फॉलो करने के बाद वो रुक गई, मैं कुछ नहीं बोली, वो कौन कौन बोल रहा था मैं कुछ नहीं बोली, बहुत स्पीड चली। मैं सोची अगर मैं दौड़ूंगी तो उसको मालूम पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, वो भी दौड़ेगा तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी शायद। कोई आइडिया नहीं थी मुझे, मतलब कितना दूर वो दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता है, कितना होश में है, कितना शराब पिया है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैं 100% श्योर थी बहुत शराब पिया हुआ था। उसके बाद मैं कुछ देर चलने के बाद वो पीछा करना छोड़ दिया। उसके बाद मुझे देखा मार्केट में एक लकड़ी में एक लॉन हुआ था, लॉन के ऊपर कोई सोया हुआ था, तो मुझे वो शराब का डर था, तो मैं उसको कुछ नहीं बोली, क्रॉस करके चुपके से निकल गई। बहुत दूर जाने के बाद मुझे हमारी खेती नहीं मिली, मैं सोची शायद वो खेती मैंने क्रॉस कर ली, तब से मैं दौड़ रही हूँ। आप टेंशन में जब होते हैं तो आपको एक एक मिनट भी एक एक घंटा लगता है, तो मैं बहुत दौड़ रही थी, बहुत स्पीड में चल रही थी, लेकिन हमारी खेती जो नहीं आ रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था, मतलब कितना टाइम लगेगा क्या है। मैं सोची शायद मैं क्रॉस करके आगे आ गई, फिर क्या हुआ, फिर मैं पीछे आने लगी, ऐसे 3-4 बार ऐसे मैं करने लगी, शायद भूल गई, शायद मैं क्रॉस करके आ गई, शायद पीछे रह गया, शायद आगे रह गया, मैं कन्फ्यूज हो रही थी क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे एक ट्रैक्टर वाला दिखा, तब रात को 12 बज गया था, एक ट्रैक्टर वाला
उसकी गाड़ी में दो तीन लोग थे शायद, कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो ट्रैक्टर का लाइट तो मतलब बहुत दूर तक तो आता है। आने के बाद रोड के साइड में जो है ना केनाल थी, वो साइड में ये साइड में आएंगे तो आप केनाल में गिर जाएंगे। वो प्लेन नहीं था, जर्किन रोड जैसे, जर्किन तो नहीं है बहुत, मतलब बड़ा सा नीचा सा ऐसे रोड था। मैं क्या डर गई। मैं ट्रैक्टर वाला तो पहले तो मुझे सरफ का मतलब मार्केट में वो मिला था, उसके बाद मतलब डर अंदर ही रह गया। उसके बाद वो ट्रैक्टर वाला आया, मैं डर गई, पता नहीं वो आदमी कैसा होगा क्या होगा। वो उसको देख के मैं साइड में, वो लाइट की मदद से मैं साइड में जाने लगी, नहीं तो मैं नीचे गिर जाती। अंधेरे में मतलब जाना पॉसिबल नहीं है, आप किधर भी जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, आप केनाल में गिर जाएंगे। वो चिल्लाने लगा, कौन है कौन है, किधर जा रहे हो किधर जा रहे हो। मैं कुछ नहीं बोली, मैं जोर जोर से रोने लगी, डर गई मैं, पता नहीं अभी आएगा पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। उसके बाद बोले, डर मत, किधर जा रहे हो, घर छोड़ के जा रहे हो क्या, गुस्सा करके जा रहे हो क्या। मैं वो नीचे नीचे आ रहा था, मैं दूर दूर भाग रही थी। बोले, डरो मत हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं उसके पास नहीं आ रही थी। मैं बोली, मेरे पापा को भी अगर मैं ढूंढने आई हूँ, वो ट्रैक्टर के पीछे आए थे, वो अभी तक घर नहीं आए, इसलिए मैं ढूंढने आई हूँ। बोले, कौन है तुम्हारे पापा, मैं सब कुछ बताई। बोले, तुमको छोड़ दें क्या। मैं बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बोले, तुमको मालूम है रास्ता। मैं बोली, हाँ मालूम है, लेकिन मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ वो लोग को। लेकिन वो गाड़ी में दो तीन लोग थे, वो ऐसे आवाज़ कर रहे थे, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों आ रहे हो, रो क्यों रही हो। उसके बाद मैं उनके पास नहीं गई, वो ऐसे ही खड़े रहे 1-2 मिनट, मैं उनको क्रॉस करके दौड़ के चली गई। उसके बाद वो चले गए। मुझे दिख रहा था मतलब बहुत बड़े एरिया में दो तीन ट्रैक्टर का मतलब लाइट जो दिख रहा था। उसके बाद फाइनली मुझे वो ब्रिज दिखी। दिखने के बाद मैं उधर से गई, एंडिंग में देखा तो हमारे खेती में कोई नहीं था। दूर दूर में दो तीन ट्रैक्टर था, वो एक ट्रैक्टर से दो ट्रैक्टर का मतलब दूरी जो था मतलब 1 किलोमीटर ऐसे ही होगा। रात में तो अंधेरे में सब कुछ लाइट वो थोड़ा दिखाई देगा, लाइट बस ट्रैक्टर का लाइट मुझे दिखाई दे रहा था। ट्रैक्टर की लाइट की मतलब फॉलो करके, ट्रैक्टर लाइट को फॉलो करके के मैं उधर से आगे खेती में पहुंच गई। देखी मेरे पापा है क्या, दूर से ऐसे पूछी, बोले कौन है तुम्हारे पापा, ऐसे सब कुछ बोले। देखे तो उधर नहीं, ऐसे तीन ट्रैक्टर चेक करने के बाद मुझे फाइनली वो लोग नहीं मिले। मैं फिर मतलब फुल मायूस हो गई, नर्वस हो गई। फाइनली मेरी पापा और भैया जिंदा नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद कोई मार दिया कुछ हो गया। तब मतलब ऐसे रिमर होता था, कोई लेके बलि चढ़ा देते हैं मार देते हैं, तब के ज़माने में ऐसे लोग पलते थे। मैं सोची अब जिंदा नहीं है वो, इतना फुल एरिया मैंने छानबीन कर ली लेकिन किधर भी नहीं है। वो एरिया में तीन ही ट्रैक्टर थे, तीनों के तीनों मैंने जांच कर ली लेकिन किधर भी नहीं थे, शायद वो लोग नहीं है। मैं रो रो के फिर क्या किया वापस आने लगी। तब तक मेरी दादी माँ मेरे पास नहीं पहुँची थी। मैं ऐसे करके आ गई, रो रो के आ रही थी। मैं मार्केट में पहुँच गई, जो देखी थी ना वो लकड़ी में एक आदमी सोया था लॉन के ऊपर, लकड़ी की लॉन के ऊपर। मैं दूर होके दूर में खड़ी होके बुलाए, भैया भैया। मैं बोली शायद यही आखिरी कोशिश है, शहर जगह तो मैंने ढूंढ ली, और मम्मी को जाके क्या मुंह दिखाना है क्या बोलना है उनको, और एक बार ट्राई कर लेती हूँ। जैसे मैंने भैया भैया बुलाई, वो दो बार में उड़ के हाँ करके, वो तो मतलब छत में सोए थे, पापा पापा बोल के गए थे इधर ही बैठना किधर नहीं जाना हम देख के आते हैं, ऐसे बोल के गए थे। मतलब भैया थोड़ा ज़्यादा मानते थे पापा को, डरते भी थे, और उधर ही वो वेट करते करते सो गए थे। जैसे मैं बोली, वो जोर से आवाज़ करके उठ के, मुझे मालूम पड़ गया मेरे भैया। मैं रो रो के उनके पास से जाने लगी। बोले, क्या हुआ तुम इतना रात को इधर क्या कर रहे हो। मैं बोली, तुमको ढूंढने के लिए आई हूँ मैं। वो फिर भैया बोले, पापा नहीं गए घर। मैं बोली, नहीं ले, मैं बोली खेती पर देख के आई हूँ, किधर भी नहीं है। वो मेरे भैया तब गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद हम, वो साइकिल उनके पास था लेकिन की जो था मेरे पापा के पास था, वो बहुत मुश्किल हो रहा था, वो साइकिल को ऐसे उठा कर लेके आ रहे थे, 1 किलोमीटर होगा तो ऐसे उठा कर लेके आ रहे थे। मैं रो रो के ऐसे आ रही थी। आने के बाद हमारे घर के पास जो ब्रिज है, हमने देखा ब्रिज के ऊपर एक आदमी सोया है। हम जाके तब तो मतलब दो हो गए थे, भाई और मैं दो, तो मुझे डर थोड़ा कम था। मैं जाके पापा पापा बोली तो ऐसे करने लगे, कहने पर देखे तो वो मेरा पापा है। वो
शराब पिए हुए थे, शराब पी के उधर गिर गए थे। तो मेरे भाई बहुत गुस्सा करने, वो साइकिल को निकाल के उनको उठा के मतलब बहुत गुस्सा करने लगे। बोले चलो आज घर में आज मैं दिखाती हूँ। ऐसे करके वो बहुत मुश्किल से मैं पकड़ के लेके आई। आधा रोड में मेरी दादी माँ मुझे मिली। मैं बोली तुम इतना लेट क्या कर रही थी इधर? वो बोले मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझे चलने को नहीं हो रहा है। बोले इतना देर हो गया फिर भी तुम आधे रोड पे नहीं पहुँचे? वो बोले हम इधर बैठ गए थे, हमको चलने को नहीं हो रहा है, हम थक गए थे। उसके बाद तीनों साथ में घर आए। उसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। अब मैं क्या बोलूँ, एक तो शराब पिए हुए थे और इंतज़ार करते करते रात हो गया था, और ऊपर से मैं गई थी। मेरे भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। अगर तुम्हारे वजह से आज लड़की को कुछ हो जाता तो इतना रिस्क लेके वो घर से रात को 12 बजे निकले हमको ढूंढने के लिए तुम्हारे वजह से, और तुम रहे हो इधर शराब पी के गिरे हो। वो ऐसे करके बहुत गुस्सा करने लगे। बहुत लड़ाई हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, सारे गांव वाले उठ गए, तमाशा देखने के लिए सारे लोग आ गए। हम बहुत रो रहे थे। एक तो झगड़ा हो रहा था, हमारी वजह से झगड़ा हो रहा था मतलब मुझे लेके, और ऊपर से गांव वाले आके सारे तमाशा देख रहे थे। बहुत रोना आ रहा था, बहुत शर्म आ रहा था, मैं क्या बोलूँ। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी ज़िंदगी में। कहते ना कि आदत, एक बार आपका मुंह खुल जाता है ना तो फिर आपका मुंह पे मतलब कंट्रोल नहीं होगा, आपके मुंह पे ताला नहीं लग सकता। उस दिन के बाद मतलब झगड़ा का शुरुआत था उस दिन। वो मनुष्य रात, वो काले रात को मैं कभी नहीं भूल सकती मैं अपनी ज़िंदगी।